हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जाने। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मुझ जैसे बेशरम इंसान को सहारा मत दो फरा। नहीं मंसूर, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। उन्होंने तुम्हारे लिए प्रपोजल दिया है हसन साहब का। क्या, ये क्या कह रही हो तुम? फरा पागल हो गए तुम, ये कैसे मुमकिन है? क्यों, इसमें नामुमकिन वाली क्या बात है? अब मान भी जाओ यार हसन बेग, राफिया की ख्वाहिश बुरी तो नहीं है। ये सिर्फ मेरी ही ख्वाहिश नहीं है, मिशी भी यही चाहती है कि उसके मामा और पापा एक हो जाएं। तुम लोग इस उम्र में क्यों मेरा मजाक उड़वाना चाहते हो? मैं दामाद वाला हूँ। तो तुमने फैसला कर ही लिया जाने का, एक बार फिर सोच लो। क्या सोच लो, वैसे भी तुमने मुझसे शादी करके तो अपनी जिंदगी तबाह कर दी है। मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। प्लीज जीती रही। बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। मिशी ने तो जैसे जादू ही कर दिया हीरा भाभी को मना कर, यकीन करें। मिशी बेटा, शाहवेज को और बीजी को फौरन ये खुशखबरी सुनाओ। मैंने शाहवेज से कहा है कि भाई साहब को मनाना उन्हीं का काम है, वो भाई साहब के साथ ही हैं, और उन्होंने भी यही कहा है कि उनको मना के ही जान छोड़ेंगे उनकी। मिठाई लेना प्लीज। भाई साहब आपने बहुत अच्छा फैसला किया। देखिए ना, इस तरह आप भी आराम से रहेंगे और मिशी और राफिया भी अपने घरों में इत्मीनान से रहेंगी। बस बहन जी, इन दोनों की वजह से मुझे ये फैसला करना ही पड़ा। ये बहुत अच्छा किया आपने, बल्कि आपको बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि आपने कितना दुरुस्त फैसला किया। इंशाल्लाह। अच्छा आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय का कहकर आती हूँ। जी शुक्रिया। लग रही है। आपको नजर आता है? पहले नजर नहीं आता था, लेकिन अब मेरी आंखों ने देखना शुरू कर दिया। तो अपनी आंखों और नजरों को कहें कि हद में है। आपके कहने का मतलब है कि उन दोनों के दरमियान पहले भी झगड़ा हुआ है? झगड़ा ही तो होता है। आज शादी को इतने साल हो गए, मैंने कभी उन दोनों को एक साथ हंसते मुस्कुराते बिल्कुल नहीं देखा। अल्फाज कहना चाहता था, मगर शायद तुम सैलून करना भूल गई। अब फेस टू फेस ही बात होगी।
आपने तो हमारा पलट के हाल भी नहीं पूछा कि कैसे हैं हम। तुम खुद खालिद भाई के साथ लंदन गई हुई थी, यहाँ होती तो पूछते ना। ओहो, बहुत साइड ली जा रही है मियाँ की। देखिए, ये आपकी बेस्ट फ्रेंड है लेकिन हमारी भी बेगम लगती है। आज आप लोगों को साथ देख के बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। और आप पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं थोड़ी देर। ओके, हाय। अच्छी लग रही है। आपको नजर आता है? पहले नजर नहीं आता था लेकिन अब मेरी आंखों ने देखना शुरू कर दिया। तो अपनी आंखों नजरों को कहें कि हद में रहें। खासी नाराज लगती हैं मुझसे। आपको क्या लगता है? शावे साहब, प्लीज एक काम है आपसे। बहुत सही टाइम पर आया हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा, कहाँ है भाई तुम्हारी फुप्पो और वो जोजो? फुप्पो आ रही है और जोजो तो अपने कमरे में नाश्ता करता है। लेकिन जोजो को आज हमारे साथ नाश्ता करना चाहिए। शिराती बाबा। पापा छोड़े ना, मैं बुला कर लाती हूँ। शिराती बाबा, ब्रेकफास्ट टेबल पे रख दे, कर लूंगा मैं। जोजो, हम सबको आज साथ ब्रेकफास्ट करना चाहिए। मामा फर्स्ट टाइम यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रही हैं। मैं किसी का सामना नहीं कर सकता, मुझे नहीं करना ब्रेकफास्ट। प्लीज लीव मी अलोन। सर, व्हाई डोंट यू फॉरगेट व्हाट हैपेंड? सब भूल चुके हैं, माफ कर चुके हैं तुम्हें सब। तुमने माफ किया है मुझे? हाँ मिशी, बोलो, तुमने मुझे माफ किया है? मैं तो तुम्हारा फ्रेंड हूं ना। फ्रेंड नहीं, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। आ रहे हो ना? पक्का? पक्का। थैंक यू, 5 मिनट में आ रहा हूं। आई एम वेटिंग। शावेस, बहुत 2 दिन का कहकर गई थी। उसे हफ्ता होने को आया, वापस नहीं आई। वो अपने पापा मामा की शादी में गई है। ये पर्दा तो आगे से हटाओ, मुझे देखो तो बात करो। तो हसन भाई की शादी को भी 2-3 दिन गुजर गए। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। कैसी दाल? कैसा काला? मुझे तो कोई काली दाल नजर नहीं आ रही। अच्छा, फजूल की बात मत करो। मुझे यकीन है कि तुमने ही कुछ कहा होगा बहू को। मैं क्या कहूंगा उसको? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर जाकर बहू को ले आओ। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? जी हाँ, ठीक हूँ। मैं बस मिशी की वजह से बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ मिशी को? आप परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ उसे। अगर किसी को भी कुछ नहीं हुआ तो फिर आप क्यों परेशान? अच्छा,
आप मुझे ये बताएं कि क्या मिशी और शावेज के दरमियान कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं बा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर अगर ऐसी बात नहीं है तो वो एक दूसरे से बात तक नहीं करते हैं, मिशी उसके साथ नहीं रहती है, क्यों? आप गलत समझिए, असल में ऐसी कोई बात नहीं है, मिशी मेरी मोहब्बत में मेरे पास रहती है। अल्लाह करे कि ऐसा ही। आपने इतनी जल्दी जाने की तैयारी शुरू कर दी, मैं चाहती हूँ कि आप अभी ना जाएं। जाना तो है, आपकी वजह से जोजो का और मेरा प्रोग्राम पहले ही काफी डिले हो चुका है, और भाजन ने कोई लॉयर भी हायर किया अहमद के लिए, शायद अहमद जल्द बाहर आ जाए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, हसन कोशिश कर रहे हैं। भाजन के जितने एहसानात हैं मेरे पे, मैं तो उनका देना ही नहीं दे सकती। भाई जो कुछ भी बहनों के लिए करते हैं वो बहनों पर एहसान नहीं होता, बल्कि बहनों का हक होता है। ऐसा तो आप सोचती हैं, जाना तो है हमें। बेगम साहिबा, मैं कॉफी बना देता हूँ आपके लिए। नहीं बाबा शुक्रिया, आप प्लीज मिशी से पूछ कर आए कि वो कॉफी पिएगी। बेबी साहिबा का तो मूड बहुत खराब है, और जब उनका मूड खराब हो तो कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जाहिर बात है आप इतने सालों से यहाँ पर हैं, मिशी आपके सामने बड़ी हुई है, तो आप तो उसके मिजाज को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। बेगम साहिबा, मैं उनके मिजाज को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बाबा फिर तो आपको ये भी मालूम होगा कि वो क्यों डिस्टर्ब है, और ऐसी कौन सी बात है जो वो मुझसे छुपा रही। वजह तो मुझे मालूम है, शावेद साहब से उनका झगड़ा चल रहा है। कब से? आपके आने से पहले से यहाँ आई हुई है वो, और जब भी शावेद साहब से उनका झगड़ा होता है वो यहाँ आकर रुक जाती है। आपके कहने का मतलब है कि उन दोनों के दरमियान पहले भी झगड़ा हुआ है? झगड़ा ही तो होता है, आज शादी को इतने साल हुए हैं, मैंने कभी उन दोनों को एक साथ हंसते मुस्कुराते बिल्कुल नहीं देखा। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे इतना कुछ बताया, लेकिन आप बेफिक्र हैं, आपका नाम नहीं आएगा। बेगम साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। मंसूर इस उम्र में ही सही, आपको एहसास तो हुआ। और पता है, आपके साथ गुजारे ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत तरीन दिन है। तुम्हें मेरे साथ चलना है या नहीं? मैं वहां जाकर क्या करूँ जहां मेरी जरूरत नहीं है। अब कभी भी शावेज को और बीजी को शिकायत का मौका नहीं देंगे। नहीं दूंगी। इजाजत? बिल्कुल बिल्कुल, जरूर, खुश रहो। चलो 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 चलो। क्या बात है बेटी, क्या सोच रही है, क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ठीक नहीं हो, बताएं क्या प्रॉब्लम है, क्या अपनी मामा से भी शेयर नहीं करेंगे? मामा जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपसे क्या शेयर करूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या आपका शावे से झगड़ा हुआ? ये आपको किसने कहा? बेटा मैं माँ हूं, और माँ को बच्चों की खुशी और गम का पहले ही पता चल जाता।
इसलिए मुझे भी आपके चेहरे से लग रहा है कि आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो। मामा, आपने मेरी जिंदगी में आने के लिए बहुत देर कर दी। अगर पहले आ जाती ना तो शायद इतना कुछ नहीं होता। अब आ गई हो ना, बताएं शावे से झगड़ा क्यों हुआ? जो होना था वो जो है। कांच अगर एक बार टूट जाता है तो जुड़ता नहीं है मामा। बेटा ये ठीक है कि रिश्ते कांच के माने होते हैं, मगर टूटने के बाद उनमें जुड़ने की भी सलाहियत होती है। आज आप मुझे वो सब कुछ बताएं जो अपने अंदर ही अंदर बर्दाश्त करती आई हैं। ठीक है, मैं आज आपको सब कुछ बता दूंगी। मामा, जब शावे से मेरी शादी हुई थी मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। मंसूर, अल्लाह का लाख शुक्र है कि हीरा अपने घर में खुश है। हाँ, शुक्र है परवरदिगार का। आज मैंने उन लोगों को डिनर पे इनवाइट किया है। अच्छा किया, क्योंकि अगले हफ्ते हमें अमेरिका फ्लाई करना है ना आपके ऑपरेशन के लिए। आराम से देख। मुझे तुम्हारी मोहब्बत मिल गई है फराह, सच बता रहा हूँ। तुम्हारी मोहब्बत का एहसास मुझे मुकम्मल कर देता है। और जो मर्द नाहक औरत को आजमाइश में डालते हैं वो मेरी तरह सजा पाते हैं। बरा चलो, अल्लाह का शुक्र है। मंसूर, इस उम्र में ही सही आपको एहसास तो हुआ। और पता है, आपके साथ गुजारे ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत तरीन दिन है। वालेकुम सलाम बेटा, कैसा रहा आज ऑफिस का पहला दिन तुम्हारा? अरे अम्मी, पहला दिन तो बहुत ही अच्छा रहा। सायरा नजर नहीं आ रही। बेटा वो नमाज पढ़ रही है, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। अरे नहीं अम्मी, आप भी बैठे, और नमाज पढ़ लेगी तो ले आएगी चाय। बेटा वो सारा दिन काम में लगी रहती है, मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती। इतनी नेक और समझदार बहू है मेरी, काश मुझे पहले अक्ल आ जाती। अरे अम्मी, अल्लाह का शुक्र है। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त है। बस अम्मी, पानी अगर आधा गिला। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। हेलो। हाँ, ऑफिस से वापसी में आ रहा हूँ, तुम्हें पिक करने हैं, रेडी रहना। आपको इतने दिनों बाद मेरा ख्याल कैसे आ गया? मुझे तो ख्याल आ गया, तुम्हें आया? बहरहाल, बीजी तुम्हें बहुत याद कर रही है। उन्होंने मुझे अल्टीमेटम दिया है कि अगर मैं तुम्हें आज घर नहीं लाया तो वो मुझे घर में दाखिल नहीं होने देंगी। अच्छा, तो ये बात है,
आपको गेट पास की जरूरत है ताकि आप घर जा सके। तुम्हें मेरे साथ चलना है या नहीं? मैं वहां जाकर क्या करूंगी जहां मेरी जरूरत नहीं है? तुम्हारी जरूरत इस दुनिया में किसी को भी नहीं है, समझी तुम? नॉनसेंस, स्टूपिड, बात बात पर अकड़ दिखाती है। इस लड़की का ऊपर का फ्लोर एकदम खाली है। कहती है मुझे इसकी जरूरत नहीं। किस तरह बताऊं मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है? तुम्हारा आदी हो चुका हूं मैं, तुम्हारी तमाम बदतमीजियों से दोस्ती हो गई है मेरी। ये दिन जो तुम्हारे बगैर गुजरे हैं, इस जुदाई ने तो मुझे ये एहसास दिलाया है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। मोहब्बत? हां, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। ये क्या पागलपन है मिशी? कोई अपने घर को बार बार रेत के घेरौंदे की मानिंद बनाती हो और खुद ही तोड़ती हो। तुमने शावेज से मोहब्बत की है, मोहब्बत का नाम ही तो कांटों पर चलना है। यहां कांटों पर चलकर ही मोहब्बत मिलती है। मुझे सब कुछ भुलाकर शावेज की तरफ पढ़ना है। जहां मोहब्बत होती है वहां अना नहीं होती। सॉरी बेटा, मैंने आपकी और मिशी की तमाम बातें सुन ली हैं। यकीन करें, मेरा मकसद आप लोगों की प्राइवेसी में इंटरफेयर करना नहीं था। ये सब कुछ तो गलती से, बहरहाल मैं आपके और मिशी के ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप यही चाहती हैं। मिशी ने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया और उससे बात करने के बाद, सब कुछ जानने के बाद मुझे एहसास हुआ कि एक्चुअली उसकी लाइफ में उसे कोई अच्छाई और बुराई में फर्क बताने वाला था ही नहीं। इसलिए जो उसे अच्छा लगा वो करती चली गई। हसन बेग साहब ने बहुत लाड प्यार से पाला उसे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बेटा, प्यार में एक हद रखना बहुत जरूरी होता है। प्यार तो माँ भी करती है, लेकिन एक हद तक। आई होप सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए। जहां मिशी ने इतनी गलतियां की हैं, वहां मैंने भी इसके साथ बहुत ज्यादतियां की हैं और मैं अपनी तमाम ज्यादतियों का अजाला करना चाहता हूं। मैंने उसको जितने भी दुख दिए हैं उससे ज्यादा उसको खुशियां देना चाहता हूं जिंदगी भर। थैंक यू बेटा, अल्लाह करे कि तुम लोग हमेशा खुश रहो और ये झगड़ा आप लोगों की जिंदगी का आखिरी झगड़ा हो। आमीन। आज मैं बहुत खुश हूं। चावेस, मैं हमेशा कहता था कि तुम्हारी कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। हाँ जी सर। चले चावेस। मिशी ठीक हो? खुश हो ना? बहुत। शाबाश। अब कभी भी शावेज को और बीजी को शिकायत का मौका नहीं देंगे। नहीं दूंगी। इजाजत? बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। खुश रहो। चलो 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 चलो। आप रो रहे?
ईशी के जाने पर ऐसा लग रहा है जैसे ईशी आज रुखसत हुई हो। जी लेकिन अब दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारी बेटी को हमेशा अपने घर में आबाद रखे और उसे सच्ची खुशियां दे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं राफिया को फोन करके बताती हूँ, बहुत फिक्रमंद हो रही थी, उसे बताऊं कि हमारी बेटी आज रुखसत हो गई है। उसका मतलब अब तक जो तुम मेरे साथ थी किसी मजबूरी के तहत थी, राइट? हाँ बिल्कुल, और इतनी बड़ी मजबूरी है जिसका नाम है मोहब्बत, और इस मोहब्बत की वजह से मैं तुम्हें कहीं भी छोड़ के नहीं जाने वाली। खबर ये है कि तुम नानी बनने वाली हो और मैं दादी बनने वाली हूँ। तुम बताओ मुझे खबर है ऐसी कि नहीं? सच में अल्लाह ने आपको दो प्यारी सी बेटियां दी हैं, मैंने उनको बचाने की बहुत कोशिश की मगर अब वो उस दुनिया में नहीं है। मैं इसलिए बुलाया था कि आज से हमारी सारी जायदाद के कस्टोडियन तुम हो और ये सारी जायदाद मेरी बच्चियों की अमानत है तुम्हारे पास। कल जब वो समझदार हो जाए तो उन्हें जरूर बताना कि उनके नाना ने उनको ये तोहफा दिया था। हर हर पग पे कांटे बिछे हैं।